नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों की चैनल ऑफिस नोटबुक पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से लिब्रा ऑफिस कैल्क में बिना वीबीओ को यूज किए हम लोग बड़े आसानी से डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके जरूर से ऑल सिलेक्ट कर लेना। तो दोस्तों, यहाँ पर डेटा एंट्री करने से पहले मैं यहाँ पर एक टेबल बनाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं A1 सेल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा सीरियल नंबर। फिर मैं B1 सेल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा नेम। फिर मैं C1 सेल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा एज। फिर मैं D1 को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा जेंडर। फिर मैं E1 को सिलेक्ट करूंगा और यहां पर मैं लिखूंगा फादर्स नेम। फिर मैं F1 सिलेक्ट करूंगा और यहां पर मैं लिखूंगा एड्रेस। ओके, सो टेबल की कंटेंट हम लोगों ने बना लिया है। अब यहां पर देखिए, मैं इस रो को सिलेक्ट करूंगा, यहां पर राइट क्लिक करूंगा एंड इंसर्ट रो अब कर दूंगा। तो देखिए, ऊपर एक ब्लैंक रो आ गया है। अब मैं यहाँ से सेल्स को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर मुझको ऑप्शन मिलता है मार्ज एंड सेंटर का, तो यहाँ से मैं मार्ज एंड सेंटर कर दूँगा। और यहाँ पर देखिए, मैं टाइप करूँगा स्टूडेंट्स डिटेल्स। ओके, और यहाँ पर देखिए, मैं टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, 12 कर दूँगा और बोल्ड कर दूँगा। और यहाँ पर देखिए, मैं इन टेक्स्ट का साइज कर लूँगा 11। ओके, अब मैं इस कॉर्नर से देखिए सारा सेल्स को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर मुझको ऑप्शन मिलता है अलाइन सेंटर, तो यहाँ से मैं अलाइन सेंटर कर दूँगा एंड सेंटर वर्टिकली इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए, एडजस्ट करने के लिए सेल्स को यहाँ पर कॉर्नर से देखिए मैं सारा सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब किसी भी दो कॉलम के बीच में जो बॉर्डर है, यहाँ पर मैं कर्सर को लेकर आऊँगा और यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर लूँगा, तो देखिए ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। बट यहाँ पर देखिए, जो नेम का कॉलम है इसका विड्थ ज़्यादा होना चाहिए, तो देखिए यहाँ से मैं इसका विड्थ इंक्रीज कर दूँगा। ओके, और भी मैं थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ। और इसके बाद देखिए, जो एड्रेस का कॉलम है इसका विड्थ भी थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, तो इसको भी मैंने इंक्रीज कर लिया है। ओके, नेम को भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं कलर दूंगा, तो देखिए मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर डालूंगा इसको एंड टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ से व्हाइट कर दूंगा। फिर दोस्तों, मैं इन सेल्स को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर देखिए मैं बैकग्राउंड कलर डालूंगा इसको एंड इसके बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट का कलर डालूंगा व्हाइट। तो ये पोर्शन रेडी हो गया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए मैं सेल्स को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑल बॉर्डर्स का, तो यहाँ से देखिए मैं ऑल बॉर्डर्स कर दूंगा। ओके, तो देखिए ये टेबल रेडी हो गया है। अब यहाँ पर मुझको डेटा को डालना है, तो पहले देखिए मैं सीरियल नंबर डाल देता हूँ 1 और यहाँ से देखिए मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ओके, तो यहाँ से देखिए मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। अब दोस्तों, यहाँ पर मुझको डेटा डालना है, तो यहाँ पर देखिए नेम, एज, जेंडर, फादर्स नेम एंड एड्रेस डालना है। तो देखिए मैं इन सेल्स को सिलेक्ट कर लूँगा। अब मैं यहाँ से डेटा पे चला जाऊँगा और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है फॉर्म का, तो यहाँ पर मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखिए डेटा फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पर आप नेम, एज, जेंडर, फादर्स नेम, एड्रेस डाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं डेटा को डालता हूँ, तो यहाँ पर मैं नेम लेता हूँ अंकित दास और यहाँ पर मैं एज ले लेता हूँ जेंडर, फादर्स नेम और एड्रेस यहाँ पर कोई भी मैं डाल दूंगा। ओके, अब यहाँ पर मैं न्यू पे क्लिक करूँगा, तो जैसे ही मैंने देखिए न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पर आप देख पाएंगे ऑटोमेटिकली जो डेटा है यहाँ पर फिल हो गया है। ओके, अब यहाँ पर एक न्यू आ गया है, न्यू रिकॉर्ड आ गया है, यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए ब्लैंक हो गया है, फिर से यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। और यहाँ पर मैं एज डाल देता हूँ
फिर मैं यहाँ पर फादर्स नेम डाल देता हूँ और एड्रेस मैं फिर से कोई भी एक एड्रेस यहाँ पर डाल देता हूँ। ओके, और यहाँ पर न्यू पे क्लिक करूँगा तो देखिए फिर से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नया रिकॉर्ड आ गया है। तो इस तरीके से जितना भी आप रिकॉर्ड चाहे यहाँ पर आप डाल सकते हैं इस डेटा फॉर्म के माध्यम से। अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड को देखना चाह रहे हैं तो प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाइए, अगर आप नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाइए। अगर आपको किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो यहाँ से देखिए आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से देखिए आप डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से जो डेटा है ये रिमूव हो गया है। तो इस तरीके से आप डेटा फॉर्म के माध्यम से यहाँ पर बड़े आसानी से डेटा एंट्री कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास टाइपिंग स्पीड होना चाहिए तो आप आसानी से ये कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया है विदाउट वीबीए को यूज किए किस तरीके से हम लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा को डाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।